हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज हम बात करने वाले एसएससी लैंडर्स और एलजी ट्विंस केबीली के बेसबॉल मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम मिले किस पर को पिक करना है, किस पर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपडेट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है। जो हमने लास्ट मैच केबीओ का कवर किया था वो हमने अल्ट्रा क्लीनशिप दोस्तों विन कर लिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैच दोस्तों हमने अल्ट्रा क्लीनशिप कर लिया है और मैं ट्राई करूंगा कि ये भी केबीओ का मैच है, इसको भी मैं अल्ट्रा क्लीनशिप कर लूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट मिलते रहते हैं। दोस्तों, गिव वे भी आपको दिए जाते हैं हर रोज़ दोस्तों, एक गिव वे होता है और जो विन करता है उसको 500 रुपया गिव वे दे दिया जाता है। और दोस्तों, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर शेयर नहीं हो, मैंने कि अब ज्वाइन नहीं हो पा रहे, लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जरूर सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे विनिंग टीम से काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे कमा पाएंगे। और दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि विजन 11 का लिंक आप यहाँ पर दोस्तों है, तो आपको विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है और काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे कमाने हैं, क्योंकि दोस्तों विजन 11 पर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है और एंट्री फीस भी काफ़ी कम है। और दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक एवरेज टीम भी अल्ट्रा चिप कर जाएगी। तो अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो एसएसजी लैंडर्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, एक ठीक ठाक टीम है, ज़्यादा अच्छी टीम नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही टीम है। इन्होंने अभी तक 115 दोस्तों 115 मैच प्ले किए, जहाँ पर 57 विन और 58 मैच मिले उसका सामना किया, तो पता चला कि थोड़ी ठीक ठाक टीम है। और मैं अभी बात करूँ एलजी ट्विंस यानी कि एलजीटी के बारे में, तो एलजीटी ने अभी तक 113 यानी कि 113 मैच प्ले किए, जहाँ पर 63 विन और 50 मैच मिले उसका सामना किया, तो पता चला कि एलजीटी वो ज़्यादा अच्छी खासी टीम है। तो मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ जो इस वीडियो में आपको देने लूँ। और दोस्तों, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा 4 और 5 का, जो एलजी ट्विंस वो काफ़ी अच्छी अच्छी टीम है और एस एस भी ठीक ठाक ही टीम है, और 4-5 से बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला। और फिलहाल मैंने यही कॉम्बिनेशन ट्राई किया, बाकी दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज भी हो सकता है, क्या पता मैं दोस्तों जो फाइनल टीम होती है वो स्टैट के आधार पर मिलती है। स्टैट निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर स्टैट निकाल कर टीम को पिक करता हूँ और फिर आपको फाइनल टीम देता हूँ टेलीग्राम पर। तो काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं अपनी अच्छी वीडियो और अच्छी टीम देता हूँ टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। तो मैं बात करूँगा दोस्तों, आपको अपनी टीम में कौन सी फील्डर, कौन सी फील्डर, कौन सी पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आप घंटे तक वॉच कर लेनी है, जो वीडियो घंटे तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी विनिंग टीम प्लस काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आपको घंटे तक वॉच कर लेना है। चैंक दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस है, लगातार मैचों से ड्रीम टीम में रह रहे और काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोस्तों, होम रन नहीं लगा पा रहे, इनका तो परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक ही है। और मैं दोस्तों अपनी टीम को कैप्टन ट्राई करना चाहूँगा, अगर दोस्तों मैं अगर कल का मैच ये प्ले करते हैं तो बाकी कन्फर्म प्ले करेंगे। और दोस्तों, कब से सबसे मेन प्लेयर टीम के एलजीटी से, एलजीटी से, तो मैं इनको टीम में कैप्टन लेकर चलने वाला हूँ दोस्तों। बाकी फाइनल टीम आपको मिलने वाले, तो टीम के बारे में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर हून के बारे में, तो हून का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। और मैंने सिर्फ अपनी टीम को इसलिए उठाया क्योंकि पिछले जो मेजोरिटी इनका जो सिलेक्टेड परसेंट है वो काफ़ी कम रहता है, और मान लीजिए कल के मैच में इनका जो सिलेक्टेड परसेंट 20 या 30% रहा, तो ये मैच आपको क्लीन स्वीप करवा दूंगा। और क्लीन स्वीप मैच करवाने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपका अपोनेंट होगा अपनी टीम को किस तरह पिक करेगा, वो या तो ये देखा दोस्तों कितने पॉइंट्स है, या फिर वो देखा उसका वो कितना सिलेक्टेड परसेंटेज है, वो अपनी टीम को इस तरह उठाएगा कि उसको बेसबॉल की 1% भी नॉलेज नहीं है और यहीं पर आपके जीतने से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं बात करूँ इन्फिल्ट्रेशन से, तो शोंगहान का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है और मेजोरिटी भी काफ़ी कम है। और मान लीजिए दोस्तों, वो शोंगहान हो या फिर दोस्तों वो जी हुन हो, अगर एक मिनट भी आपके अपोनेंट के पास नहीं हुआ तो ये मैच आप क्लीनशिप करने वाले हैं। दोस्तों, क्लीनशिप मैच के लिए वो थोड़ा बहुत क्रेडिट इशू रहेगा इस मैच में, तो क्रेडिट इशू का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। जोंग के बारे में बात करें तो जोंग का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, और दोस्तों वो इस कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस होने वाले कल के मैच के लिए। अगर कैप्टन में दोस्तों चेंग को अपनी टीम में ट्राई करूंगा तो मैं जोंग को अपनी टीम में उस कैप्टन ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन जो फाइनल टीम होगी दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हवान के बारे में बात करें तो हवान का जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, अगर दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ग्रैंडली एक टीम में वो कैप्टन बना देना, और मान लो कल के मैच में होम रन लगा दिया तो ये मैच भी आप अच्छा खासा पैसा विन कर पाएंगे, और क्या पता आपकी एक रैंक भी आ जाए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जी हवान को अपनी टीम में कैप्टन बना दीजिएगा, इससे बड़ी चॉइस मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बात नेक्स्ट प्लेयर चोंगचांग के बारे में, तो ये भी प्लेयर जो दोस्तों काफ़ी नज़रों में, काफ़ी मैचों से मैं इनको देख रहा हूँ, इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है। दोस्तों, पीछे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन था, इनके बाद इनका जो परफॉर्मेंस ऐसे आया कि ड्रीम टीम में रहने लगे। और मान लीजिए कल के मैच में मुझे लगता है कि आपके अपोनेंट के पास कन्फर्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा होगा और दोस्तों उसे नीचे आने पड़े और इसको प्लेयर को पिक करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि दोस्तों योंग विन की तरफ ज़्यादा बंदों का ध्यान नहीं रहेगा, और योंग विन का जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था और इस मैच में 9 पॉइंट कलेक्ट कर लिए। तो वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ
कि अगर शोंग हान या फिर दोस्तों जी हुन अगर आपके अपॉइंट के पास एक भी नहीं हुआ तो ये मैं सबको लिस्ट करवा दूंगा, और यंग बीन भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है। और दोस्तों मैं टीम को चेंज करूँगा, कन्फर्म चेंज करूँगा। वोन शेख के बारे में बात करूँ तो वोन शेख को दोस्तों मैंने फिलहाल टीम में फिलहाल ट्राई किया, बाकी एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए। लाइनअप आने के बाद मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर के स्टैट आ जाएंगे, तो स्टैट में दोस्तों अगर आप स्टैट चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं दोस्तों कैचर के बारे में बात करूँ तो मैंने यंग का नाम को ट्राई किया है अपने टीम के लिए फिलहाल, क्योंकि उनका जो पिछले मैच का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा खासा था, और इस मैच में इनका परफॉर्मेंस ऐसा रहता है तो मैं इनको ही अपनी टीम में जगह देना चाहूँगा। बाकी दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो आपको स्टैट के आधार पर ही मिलने वाली है। टीम का प्रीव्यू कर लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने टीम में दो आउटफील्डर, पांच फील्डर, एक पिचर कैचर को ट्राई किया, और दोस्तों पांच फील्डर मैंने टीम में काफ़ी अच्छे से रखे हैं। अगर मैं आपको बता चुका हूँ जी हुन दोस्तों चौहान अगर एक भी दोस्तों आपके अपोनेंट के पास नहीं तो ये मैच आप अल्ट्रा कंसीव करने वाले हैं, और अल्ट्रा कंसीव करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कैप्टन उसके मैं कोई टीम बता चुका हूँ कि मैं कैप्टन उसके किसको बना के चलने वाला हूँ। मैं फिलहाल दोस्तों चैंक अपनी टीम में कैप्टन रखूँगा, और उसके दोस्तों मैं जो को बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, और चेंज दोस्तों आपको कहाँ पर पता चला टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वो सेव करते थे दोस्तों आप सभी को तो काफ़ी मेहनत है, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनल टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।